साहिबजादे का राज, मतलब असद का राज। ये वीजा उसने एक्सटेंड करवाया है। वो चाहे ना तो मुझे इंडिया का पासपोर्ट बनवा के दे दे। और इंडिया ही क्यों, वो चाहे तो मुझे किसी भी मुल्क का पासपोर्ट बनवा के दे सकते हैं। मुझे मेरे भाईजान से मिलने की इजाजत नहीं है। आपने खुद वादा किया है। मुझसे वादा लिया गया है अम्मी, और बहरहाल मैं वो वादा जरूर निभाऊंगा। हसीना भी कभी फोन नहीं आया ना अभी तक। नहीं बशीरीन, मैं सोचती हूँ कि आज ही जाकर मैं हसीना से मिल आती। कुछ भी करके ये रिश्ता करा दीजिए भाभी। वो यहाँ आए, हमारे घर की चौखट पर खड़े होकर उन्होंने आपको धमकी दी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाओ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अयान से छिप छिप कर मिलते रहे, इसलिए उनकी हिम्मत हुई यहाँ तक आने की। उनका गुस्सा जायज है, निखत का रिश्ता जो टूट गया। लेकिन ये उन्हें हमें पहले बता देना चाहिए था, खासकर जब ये रिश्ता मेरी वजह से टूटा हो। रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं टूटा है सर, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तकदीर से कौन लड़ सकता है। मैं जानता हूँ हसीना भी एक लालची औरत है, और मुझे निखत को ऐसे खानदान में नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इमरान एक बहुत अच्छा लड़का, और निखत उसे बेहद पसंद करती है। मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई, मैं असद भाईजान को मिलने उनके ऑफिस गई थी। मैं उन्हें ये बताने गई थी कि आप उन्हें कितना मिस करते, और असद भाई भी आपसे दूर होकर उतने ही गमजदा है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा निकाह इमरान से कराएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हसीना बी को अपना फैसला बदलने पर उन्होंने ही मजबूर किया होगा। शैतान की खाला हसीना बी, उनके मुंह से इतनी मीठी बातें बुलवाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है निकत। अल्लाह ही जानता है कि असद भाईजान ने ये कैसे किया होगा। अम्मी मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ, अब मैं आयान से कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन बिना मिले बगैर देखे मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। राशिद ने उन्हें बंगला देने से इनकार कर दिया, और तुमने तुमने उन्हें बंगला दे दिया। इस बार फिर असद भाई ने बड़े भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। ये हमने फोन किया था, लेकिन हसीना जी से बात नहीं हो पाई। ये हमें से अगर किसी ने बात नहीं की तो फिर बात की किसने? अगर आपने सबको बता दिया कि ये सब असद भाई ने किया है, तो एक बार फिर बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। सगाई की रस्में पूरी हो गई, मुबारक हो। वो क्या है ना, कल आप बंगले पे अपने किसी आदमी को भेज देना। हमें ना थोड़ा सा काम करवाना है। आखिरकार आपकी बहन ही तो रहने वाली है ना वहाँ पे। हमें कल किसी को चाबी के साथ भिजवा देना। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया नहीं है मैं आपके मिशंस में आपकी कितनी हेल्प कर सकती हूँ। आपको पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ? डर तो लगता ही नहीं है मुझे। मेरे सामने शेर, चीते, भालू, हाथी, जो मर्जी आ जाए कोई डरूंगी थोड़ी। मैं उनकी आंखों में आंखें डालूंगी और मैं उनसे कहूं नीचे उतरिए। कॉकरोच, कॉकरोच देखिए आप कितना बड़ा है। एक मिनट।